कोरोना पर बयानबाजी से बचने वाले गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर सामने आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में 9 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया, लेकिन दोस्तों आज ये खबर नहीं है। खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन करते वक्त जो बात कही, क्या वाकई वो उन्हें कहनी चाहिए थी? उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने में वो कामयाब हो गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो गई है? अभी भी हजारों केस आ रहे हैं कोरोना के देश भर में, लेकिन गृह मंत्री का ये बयान क्या सही है? आज खिचड़ी द न्यूज चैनल में इसी की बात हम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सरकारी अस्पतालों में लगाए गए 9 ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया। चलिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कह दिया वो सवालों के घेरे में है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धैर्य पूर्वक महामारी का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत उग्र थी, लेकिन इसे नियंत्रित किया गया। शाह ने वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 21 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज मुहैया कराने के साथ ही टीकाकरण अभियान प्रगति पर है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि वैश्विक महामारी पर काबू पाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ विश्व स्तर पर सबसे तेज टीकाकरण अभियान चला है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज भारत में लोगों को दी गई। अभी देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार वही गलती दोहरा रही है जो उसने कोरोना की पहली लहर के दौरान दोहराई थी? कोरोना खत्म नहीं हुआ था, कोरोना की पहली लहर नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने ये कह दिया था कि वो कोरोना की पहली लहर को काबू में करने के लिए कामयाब हो गई है। और एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की। लेकिन सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या आपके घर वालों को कोरोना का सही इलाज मिला? क्या आपको अब तक कोरोना की वैक्सीन लग गई है? नहीं ना, लेकिन उसके बाद भी सरकार का ये बेतुका बयान कितना सही है? तो अगर आप हमारी इस बात से सहमत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या सरकार सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और किस तरह की न्यूज़ आप देखना चाहते हैं और किस तरह की खबरें, किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, खिचड़ी द न्यूज़ चैनल पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।